आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आंखों के अंदर होने वाले सभी बीमारियां, यानी कि आंखों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि उन बीमारियों का कारण क्या है, यानी कि वो बीमारियां क्यों होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी बीमारी को जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंजक्टिविटिस, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ब्लेफेराइटिस, केराटाइटिस, टेरिजियम और स्टाई। तो इन बीमारियों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके एक एक बीमारी को जानते हैं। देखिए, जो कंजक्टिविटिस होता है, इसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं आंख आना, यानी कि ये जो होता है मोस्टली वायरल के थ्रू होता है, यानी कि एक वायरल डिजीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो ये एक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये हमारे आंखों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब हम जान लेते हैं कैटरेक्ट के बारे में। तो कैटरेक्ट होता है, इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, यानी कि ये सफेद मोतियाबिंद होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसकी जो एक आंख है वो बिल्कुल व्हाइट हो चुकी है, यानी कि इसको सफेद मोतियाबिंद हो चुका है। तो हम इसके कारण की बात करें तो ये जो होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये बीमारी होने के चांसेस होते रहते हैं। लेकिन डायबिटीज के केसेस में भी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम जान लेते हैं ग्लूकोमा के बारे में। तो देखिए, जो ग्लूकोमा होता है ये भी एक प्रकार का मोतियाबिंद ही होता है, लेकिन ये जो होता है काला मोतियाबिंद होता है। आपने कैटरेक्ट में देखा होगा जो उसकी एक आंख थी बिल्कुल व्हाइट थी, लेकिन इसमें जो उसकी आंखें होती हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। और हम इसके कारण की बात करें तो ये जो होता है ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण होता है, यानी जो हमारी आंखों के अंदर नर्व होता है उसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और उसके डैमेज होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं ब्लेफेराइटिस की। इसको हम आम भाषा में कहते हैं पलकों की सूजन, यानी जो हमारी आईलिड्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, सूजन हो जाता है। और ये जो होता है एलर्जी या फिर डैंड्रफ के कारण होता है। अब हम जान लेते हैं केराटाइटिस, यानी कि कॉर्निया में सूजन होना, जो हमारी कॉर्निया होता है उसके अंदर सूजन हो जाता है। और इसका जो कारण होता है इंजरी, आपके आंखों पर किसी कारण से चोट लगा हो या फिर आप ज्यादा ही कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर लेते हैं, इसके कारण भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। तो अब हम जानते हैं टेरिजियम, यानी कि इसको हम आम भाषा में कहते हैं आंखों के अंदर नखुना हो जाना, यानी कि क्या होता है आंखों के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसकी आंखों के अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो चुकी है। और अगर हम इसके कारण की बात करें तो ये जो होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट्स, यानी कि आंखों के ऊपर ज्यादा ही सनलाइट का प्रभाव होता है, यानी कि ज्यादा देर तक हम सूर्य को देखते हैं या फिर जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारी आंखों के अंदर ज्यादा टाइम तक रहती है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट है हमारा स्टाई। इसको हम आम भाषा में कहते हैं बिल्ली या फिर गुहेरी भी कह देते हैं, या फिर कहते हैं आंखों के ऊपर फुंसी हो जाना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसकी जो एक आंख है इसमें आपको स्वेलिंग से दिखाई दे रहा होगा, यानी फुंसी टाइप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो देखिए, जो हमारी आंखें होती है यानी आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स के अंदर ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनके ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, स्टाई जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये तो थी आंखों से रिलेटेड बीमारियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।